उनका योगदान, उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन में हम सबको पूरे कांग्रेस परिवार को अमल करने के लिए है। उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर हम चलने का आज संकल्प लेते हैं। छत्तीसगढ़ का विकास और छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ का जनजीवन, छत्तीसगढ़ का सब कुछ बाबूजी के हाथों इतिहास रचा हुआ है और आज के बच्चों को, आज के युवा साथियों को उनके मार्गदर्शन पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और उसी रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित होकर राज्य के विकास के लिए, अपने ज़िले का, अपने नगर का विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने शहर नगर सबके विकास के लिए बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। जी, जी बताएं क्या आज हम सब यहाँ छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत जी की 97वीं जयंती बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से मना रहे हैं और आज यहाँ पूर्वा में घंटाघर के पास स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत स्मृति उद्यान में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सभी उपस्थित जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें सब सब नमन किया। आज हम सब इस हमारे जननायक का उनके कार्यकाल में, जब वो मध्य प्रदेश के सरकार में चार बार कैबिनेट मंत्री रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल के ऐतिहासिक कार्य निर्वहन की क्षमता को हम प्रणाम करते हैं और गांधीवादी विचारक सरलता, सहजता और मिलनसारता के प्रतिमूर्ति स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत जी को, हम बाबू जी को सत सत प्रणाम करते हैं। जी भाई, हमारे छत्तीसगढ़ के स्वप्रतिष्ठा, पांगो बांध के स्वप्रतिष्ठा, हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्वर्गीय बिसाऊ दास जी महंत की आज 97वें जयंती के अवसर पर हम उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय बिसाऊ दास जी महंत ने छत्तीसगढ़ का सपना देखा और निश्चित तौर पर उनका सपना पूरा हुआ और आज छत्तीसगढ़ अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। निश्चित तौर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे नम्र सरल पुरुष ने हमारे छत्तीसगढ़, जब मध्य प्रदेश में शामिल था, वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, लगातार चार बार मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का पद सुशोभित किया और उनकी सोच निरंतर यही थी कि छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास, और हम बहुत ही उन्हें नमन करते हैं और साथ ही साथ स्वर्गीय बिसाऊ दास जी महंत के सुपुत्र आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत उनके बताए पर मार्गों पर चलकर आज जनसेवा में लगातार सक्रिय हैं। हम ये चाहते हैं कि उनकी सेवाएं जनता तक पहुंचे और जनता के दिलों में महंत परिवार का एक अच्छा स्पॉट बने।